नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस अर्थात खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में बताना चाहूंगा। कच्चे खाद्य सामग्रियों में तरबूज, केला, अनार इत्यादि आते हैं। परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि फसल की पैदावार में सुधार के लिए क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फसल की विविधता में कैसे हम सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद पोषक प्रबंधन, फिर सिंचाई और विभिन्न फसल जैसे कि इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इन सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मुर्गी पालन क्या होते हैं, मत्स्य पालन क्या होते हैं, मधुमक्खी पालन क्या होते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये जरूर सवाल उठ रहा होगा, खाद्य संसाधन आखिर होते क्या हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाद्य संसाधन वस्तुओं और वाणिज्य और वितरण में सेवाओं का एक संयोजन है, जिसके माध्यम से ये उपभोग के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। उपभोग यानी खाने के लिए उपयोग कराए जाते हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे उत्पादन में वृद्धि हासिल की जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस प्रकार इन खाद्य सामग्रियों की भी मांग उतनी ही बढ़ती जा रही है। जो इसे बढ़ाने के लिए हमें निम्न चीजें करनी होंगी। सबसे पहला, रोपण के लिए बीज विकल्प, अर्थात हमें अच्छे अच्छे बीजों का चुनाव करना होगा ताकि ये अच्छे से बढ़े और अच्छा अच्छा हमें खाने मिले। दूसरा, फसल पौधों का पोषण। जब हमने बीज डाल लिया और ये फसल उगने लगे, तो हमें उसे अच्छे से पोषित करना होगा। उसे हमें समय समय पर कुछ कुछ प्रदान करना होगा, जैसे फर्टिलाइजर प्रदान करना होगा, उसे और उपजाऊ बनाने के लिए अधिक से अधिक कोशिश करनी होगी। तीसरा, फसल के बढ़ने और कटाई तक उसकी सुरक्षा। हमें फसल की सुरक्षा विभिन्न चीजों से करनी पड़ेगी, जैसे कि कीट हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इनसे हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर ये आए तो ये पूरे फसल को खराब कर देंगे। अब मैं आपको फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले, फसल की विविधता में सुधार। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे फसल हैं और इस प्रकार इनमें अनेकों विविधताएं हैं, सो हमें इसमें और सुधार लाने की जरूरत है। दूसरा, फसल उत्पादन में सुधार। जैसे कि हम देख सकते हैं कि थोड़े से जमीन में कुछ कुछ किसान थोड़े से जमीन में अलग अलग थोड़े थोड़े जमीन में बहुत अधिक उत्पादन कर लेते हैं, हमें सुधार लाने की जरूरत है। तीसरी बात है फसल संरक्षण में सुधार। जब हम फसल लगा चुके हैं और खेतों में ये उग गए हैं, तो हमें इसे संरक्षण करना होगा, हमें इसे और अधिक अधिक तकनीकों से हमें इसमें सुधार लाना होगा। अब मैं आपको फसल की विविधता में सुधार के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले, यह दृष्टिकोण एक फसल की किस्म की खोज पर निर्भर करता है जो कि एक अच्छी उपज दे सके। यानी कि हम कोई एक बीज लिए, उसे हमें कैसे अच्छी उपज दे सकती है, हमें देखना होगा। दूसरी बात, फसल के उपभेदों को विभिन्न उपयोगी विशेषताओं जैसे रोग प्रतिरोधक, उर्वरक, उत्पाद की गुणवत्ता और उच्च उपज की प्रतिक्रिया के लिए प्रजनन द्वारा चुना जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि फसलों में अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनमें अलग अलग उर्वरक की मात्रा की जरूरत होती है और ये अलग अलग उत्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। तीसरा, खेती की प्रथाओं और फसल की पैदावार, मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पे बिल्कुल निर्भर करता है। हमें ये बिल्कुल ही सोचना होता है कि कैसे हमारे खेतों में पानी आ सके, कैसे मिट्टी को अच्छा कर सके, मिट्टी कैसे मौसम अच्छा हो कि हम हमें अच्छी फसल की उपज मिल सके। दोस्तों, अब मैं आपको उन कारकों के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें सुधार किए जा सकते हैं। सबसे पहला, उच्च उपज यानी कि बहुत अधिक उत्पादन। दूसरा, सुधार की गुणवत्ता, कि कैसे हम इन फसलों के उत्पादन में सुधार करते हैं, उसकी गुणवत्ता। तीसरा, उनकी प्रतिरोधक क्षमता, कि कैसे जैविक और अजैविक रूप से इन फसलों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। और चौथा है परिपक्वता अवधि में परिवर्तन। हम जानते हैं कि फसल को बोने और फसल के उत्पादन होने तक बहुत अधिक अवधि हो जाती है। इस अवधि को कम करने के लिए हमें इसमें सुधार किया जा सकता है।
चौथा है व्यापक अनुकूलशीलता, इसके अंतर्गत मौसम आते हैं, पानी की उपलब्धता आती है, ये सब व्यापक अनुकूलशीलता के अंतर्गत आते हैं। छठवा है वांछनीय कृषि विशेषताएं। मैं आपको फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। फसल उत्पादन प्रबंधन में सबसे पहले ये आता है कि खेती के लिए किसान की खरीद क्षमता, उसकी फसल पद्धति और उत्पादन प्रथाओं का निर्माण कर। दूसरा, उत्पादन प्रथा में किसान को बिना कीमत के, कम लागत के या उच्च लागत के खेती करने पड़ सकती, क्योंकि यह निर्भर करता है कि किसान छोटा है या बड़ा। क्योंकि अगर किसान छोटा होगा तो वो अब चाहेगा ही कि उसे कम लागत में या कहीं से उसे बीज मिल सके, ताकि सरकार छोटे किसानों को मुफ्त में बीज, उर्वरक और बोनस देती है ताकि फसल का उत्पादन और अधिक हो सके। वो उन्हें बोनस इसलिए भी देती है क्योंकि तो छोटे किसानों को कर्ज लेना होता है और अनेक अनेक चीजें होती हैं। इसलिए पोषक प्रबंधन, पौधों को पोषक तत्व हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौधों के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से बहुत से अधिक सारी तकलीफें होती हैं, जैसे प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, विकास में कमी हो जाती है, संवेदनशीलता, पौधों की संवेदनशीलता में गिरावट होती है और पौधों में शारीरिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। अब मैं आपको सिंचाई के बारे में बताना चाहूंगा। सिंचाई यानी इरिगेशन। सिंचाई के लिए कई प्रकार के जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कृषि भूमि के लिए पानी की आपूर्ति की जा सकती है। इनमें शामिल है सबसे पहले कुआं, दूसरा नहर, तीसरा नदी लिफ्ट प्रणाली, इसके अंदर बांध और अनेक चीजें आती है, और चौथा है टैंक, सरकारी टैंकों जो किसानों को पानी प्रदान करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इस चित्र में पौधों को, फसलों को कैसे पानी दिया जा रहा है, ये नदी लिफ्ट प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, किस प्रकार इस चित्र में नहर के द्वारा किसानों को पानी प्रदान कर रही। दोस्तों, अब मैं आपको विभिन्न फसलों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आता है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल वह है जिसे अंतर फसल या सह खेती के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही क्षेत्र में एक या दो से अधिक पौधों को एक साथ रोपण करना शामिल है, जैसे कि मूंगफली और सूरजमुखी। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय पर हम एक फसल लगाए, उसके बाद उसके कटाई के बाद दूसरा फसल लगाए, इसे मिश्रित फसल कहते हैं। इसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग वह होता है जिसमें एक ही क्षेत्र पर एक साथ दो या अधिक से फसलों की खेती होती है, जैसे कि सोयाबीन और मेज, इनको एक साथ लगाया जाता है। इसके बाद फसल रोटेशन। फसल रोटेशन अनुक्रम ऋतु में एक ही क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की एक श्रृंखला को विकसित करने की प्रथा है। यह किया जाता है ताकि खेतों की मिट्टी पोषक तत्वों के लिए एक सेट के लिए उपयोग नहीं किया सके, यानी कि ये मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे फसल रोटेशन किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे हम फसल को कीड़े मकौड़ों से, जानवरों से, बीमारियों से बचा सके। खेतों की फसलों को बहुत सी चीजों जैसे कि कीड़े, जानवर और उनकी बीमारियों से नुकसान पहुंचा जा सकता है। यदि इन कीड़ों और पेस्टों को उचित समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें समय समय पर उर्वरक और फर्टिलाइजर डालने होते हैं इन फसलों में, ताकि ये कीड़े जानवर इनसे दूर रहें और इन्हें खराब ना करें। कीट फसलों पर तीन ही तरीकों से हमला करते हैं। ये कीट पहले पौधों के जड़, तने और पत्तों को काट देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फसलों में कुछ कुछ पत्ते कटे होते हैं, कहीं कहीं छेद होते हैं, ये सब कीट किए होते हैं, कीट ने किया होता है। दूसरा, वे पौधों के विभिन्न भागों से उसके कोशिका द्रव को चूस लेते हैं।
कोशिका द्रव्य में आपको बताना चाहूंगा कि कोशिका द्रव्य में पोषक तत्व होते हैं जो फसलों को उपजाऊ बनाते हैं और उसके उत्पादन में सहायक होते हैं। तीसरा, ये पौधों को अंदर से खोखला बना देते हैं। ये कीट उनके कोशिका द्रव्य को चूस लेने के बाद उसे अंदर से खोखला बना देते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पशुपालन खाद्य उत्पादन में सहायक है। मैं आपको बताऊंगा कि पशुपालन दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है, सबसे पहला दूध और दूसरा कृषि श्रमिकों के लिए मजबूत श्रम प्रदान करता है। गाय और भैंसों के लिए उचित सफाई और रख रखाव फार्मिंग के लिए जरूरी है, यानी खेती के लिए जरूरी है, क्योंकि तो हम देखते हैं कि किसान गाय और भैंसों को अनेक कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे कि हल चलाने में, खेतों में हल चलाते हैं तो वे भैंसों का उपयोग करते हैं। डेयरी पशु के भोजन की आवश्यकता दो प्रकार की होती है, जैसे रख रखाव की आवश्यकता, दूध उत्पादक आवश्यकता है। अब मैं आपको मुर्गी पालन के बारे में बताना चाहूंगा। मुर्गी पालन वह व्यवस्था है जिसमें पक्षियों जैसे मुर्गी कबूतर आदि को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है ताकि ये हमें आगे जाकर अंडे मांस दे सके। इन मुर्गियों को पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि ये अच्छे से विकास करें और हमें अच्छे अच्छे अंडे और मांस दे सके। इनकी समय समय पर उचित सफाई स्वच्छता के लिए नियमित अंतराल पर डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है। मछली उत्पादन, मछली उत्पादन या मत्स्य पालन में मछली को वाणिज्यिक रूप से टैंकों में मछलियों को इकट्ठा करना शामिल है, जैसे कि मछली के तालाब। यह आमतौर पर भोजन के लिए किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मछलियों को कुछ मछलियों को तालाब में डाल दिया जाता है, और जैसे कि मछलियों की हम जानते हैं कि मछलियों की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह एक एक बार में कई कई सैकड़ों अंडे दे जाती है, इसलिए ये इनका उत्पादन बहुत अधिक होता है। इन मछलियों को तालाब या समुद्र से पकड़ा जाता है और फिर इनके इनको एक टैंक में रख दिया जाता है ताकि ये प्रजनन करें और इनका और अधिक उत्पादन हो सके। मछली पालन हमें मांस देती है और इससे मांस और अंडे को विटामिन के लिए भरपूर माना जाता है, इसलिए इसकी मांग बहुत है। मैं आपको यह और बताना चाहूंगा, मछली के अंडे बहुत ही विटामिन से भरपूर होते हैं, इससे दिमाग बहुत ही तेज होता है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन क्यों करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। मधुमक्खी हमें शहद देती है, शहद को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए मधुमक्खी पालन आय का एक बहुत अच्छा स्रोत है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली स्थानीय विविधताएं हैं एपिस सेरेना इंडिका, ये भारतीय मधुमक्खियां हैं। यह व्यवस्था इस बात पर भी निर्भर करता है कि आसपास कितने फूल हैं, क्योंकि तो अलग अलग फूल होंगे, अलग अलग फूलों में विविधता होगी, तो ये इन फूलों से जाकर उनके रस चूसेंगी और ये जाकर एक जगह एकत्रित होकर शहद का निर्माण करेंगी। ये इन्हीं फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। या सारांश, हमने सबसे पहले पढ़ा कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं, खाद्य संसाधन में कैसे सुधार किया जा सकता है। हमने उसके बाद विभिन्न संसाधनों के प्रबंध के बारे में पढ़ा, फिर हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा कि कैसे फसलों में सिंचाई की जाती है और फिर सिंचाई के कितने सारे अधिक तकनीक हैं, जैसे कुआं, नहर इत्यादि। उसके बाद हमने विभिन्न फसलों के बारे में पढ़ा, जैसे कि मिश्रित फसल, इंटरक्रॉपिंग, फसल रोटेशन। उसके बाद हमने पशुपालन पशुपालन के बारे में पढ़ा कि क्यों पशुपालन जरूरी है। फिर हमने देखा कि कैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन हमें खाद्य संसाधनों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार सहायक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।